हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और हर बात हर किसी से रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, सॉरी उनका नाम ले सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, दो दो क्वींस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लाइन से तीन क्वींस आ गई हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड किंग ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड। ओके, नो डाउट यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आई थिंक आप लोगों के बीच में कुछ मेजर, कुछ लोगों के बीच में डाउनफॉल हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ सिचुएशंस ख़राब हुई हैं, उन सिचुएशन से अब निकल कर बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कंटिन्यू जैसे लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें ठीक होने का, अपने सिचुएशंस को हैंडल करने का, अपने सिचुएशंस को बैलेंस करने का, और साथ ही साथ उनके मन में जैसे लग रहा है कि फिर बहुत सोच लिया, अभी एक्शन की बारी है, बहुत कुछ हमने देख लिया है, बहुत कुछ हमने सोच लिया है, अब करते हैं, चलो ठीक है, तो कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई नई शुरुआत जैसे लग रहा है उनके माइंड में चल रही है, इनोवेट कुछ करना है कि माइंड में आ रहा है कि कुछ नयापन लेकर आएँ जिनसे जो पुरानी चीज़ें हैं वो ठीक हो सके। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, आपको खोने का, खोने से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन डरते हैं, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप लोगों के बीच में काफ़ी समय से ख़राब चल रही हैं या रिसेंट में कुछ ख़राब हुआ है, तो उन चीज़ों को यहीं पर त्याग देने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो ख़त्म करते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। टर्न ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे कि अब जो भी बर्डन है अभी मुझे यहाँ पर ख़त्म करना, उतार के फेंकना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए दो क्वीन विद वन किंग आए हुए हैं, अपने सिचुएशंस को और इम्प्रूव करने के बारे में, अपने रिलेशनशिप को और हेल्दी करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा समर्पण, एक अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कोई हो सकता हो यूज़ करना चाहते हो आपके पर्सन, उसके बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि जैसे सब कुछ हमारे बीच में सब ठीक हो जाए, सब जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाए, जितने भी डाउट्स हैं एक दूसरे के बीच में वो ख़त्म हो जाएं, और हद से ज़्यादा ओवर पोजेसिव भी जैसे लग रहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईर्ष्या भी आ रही, जलन भी आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पर्सन जो है मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो कहीं और उनका माइंड जो है भटक रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के माइंड में नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कि एक 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 पेज तैयार करना है और उस पर सब लिखना है, कहाँ पर क्या चीज़ें ठीक करनी है, कहाँ पर चीज़ों को लेना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, किन चीज़ों से स्पॉइल हो रहा है, किन चीज़ों से बचा जा सकता है, ऐसे कुछ जैसे विचारधारा बनाते हुए यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके लिए नज़र आ रहे हैं। और नो डाउट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम अब रहे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव दिखाई दे रहे हैं, हर हाल में जो है आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और आगे दूर तक लेकर जाने के लिए। नो डाउट यहाँ पर आपके पर्सन किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, चाहे वो आपकी तरफ से हों या उनकी तरफ से हों, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, उनको जो है अब उनके मन में ये समझ में आ गया है कि चलो यहाँ से चीज़ें ये हुई हैं, ऐसी ऐसी हुई हैं, ये रीजंस थे, इन चीज़ों से बचा जा सकता था, चाहे वो आपका ईगो हो, चाहे वो झगड़े हों, चाहे मिसकम्युनिकेशन हो, डिसएग्रीमेंट्स हों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में जिनको वो समझ चुके हैं कि हाँ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं मुझे, चलो अभी अभी इन चीज़ों पर काम करना है। तो जिन जिन लोगों के बीच में कुछ लास्ट
कुछ समय से झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही, मेजर झगड़े चल रहे हैं, मेजर डाउनफॉल्स चल रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर अब उन पर एक्शन लेने के बारे में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि बहुत हुआ, अभी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्शन लेना है, अभी अभी ये गिरना तो बहुत हो गया, अभी ऊपर कैसे जाना है इसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर थॉट्स जो हैं उनको उनके जो पॉजिटिव हैं आपको लेकर और आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर कैसे सही किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, उन पर क्या क्या काम किया जाए, ऐसी कुछ बातों को लेकर यहाँ पर उनके मन में विचारधारा चल रही है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, पूरी तरीके से कलेक्टिव रीडिंग है। जितना ले उतना, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल ऑफ यू। अपना प्यार हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। थैंक यू, आई लव यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।